Now, if the case of, for example, first of all, you can think about that why it is important, ठीक है, to understand the term infanticide and what is its medical legal importance, ठीक है? So medical legal importance is that some case comes to you or you find some dead body of any infant anywhere, ठीक है? And as a doctor, police brought to you it for the autopsy, ठीक है? Police has something in his mind. इन हिज माइंड पुलिस मैन हैज समथिंग इन हिज माइंड कि ये बेबी जो है ये किसी ने डेड बॉडी डिस्पोज ऑफ की हुई है ठीक है और दैट बेबी वॉज अलाइव इधर द बेबी वॉज स्टिल बॉर्न इधर द बेबी वॉज डेड बॉर्न इधर द बेबी वॉज अलाइव और इफ द बेबी वॉज अलाइव कितने दिन वो अलाइव रहा एंड इफ द डेथ इज देयर दैट डेथ इज इधर अ नेचुरल डेथ और दैट डेथ इज बिकॉज ऑफ सम क्रिमिनल एक्ट दीज आर द क्वेश्चंस विच basically comes in the mind of any person when a dead body of a fetus comes to that person, ठीक है? अब उसमें करना क्या होता है? As a doctor, as a forensic expert, you are going to perform autopsy, obviously, ठीक है? तो उस autopsy में आपको हमने बहुत सी techniques पढ़ाई थी autopsy में, Virchow's technique थी, Lütl's technique थी, उसमें से एक technique थी जिसका नाम था Rokitansky's. इसमें क्या करते हैं? इन सीटो होती है ठीक है और फिर ब्लॉक्स में आप उसको बाहर निकाल सकते हो स्पेसिफिकली इन दोस केसेस जो कंटेमिनेशन के होते हैं जो एचआईवी के केसेस हो सकते हैं इन दैट केसेस यू आर नॉर्मली गोइंग टू परफॉर्म दिस बट एज द फीटर एज द बेबी इज टू स्मॉल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म द नॉर्मल जो आपके बाकी टेक्निक्स होते हैं यू आर गोइंग टू परफॉर्म इट बाय द रॉकेटिंस्की टेक्निक ठीक है इस तरह से आप इसकी